इस प्रकार हम 1 से 12 पाठ देखे तो कोई ना कोई विधा में है, जैसे पत्र की विधा में है, जो एक एकांकी के विधा में है, और एक विज्ञापन के विधा में है, और कहानी के विधा में है, और कविता के विधा में है। इस प्रकार हमारा दूसरा पाठ है ईदगाह। ये पाठ जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये पाठ हमें कहानी की विधा में है। कहना, पहले कहना का अर्थ है हमें कहना, अंते इसका अर्थ है चपड़, जो कोई भी एक विषय हम दूसरों को बता देना ही कहना। कहना तरवाता हंसना, बोलना, देखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, जाना, आना, ये सभी हम हर रोज कर सकते हैं। कहना का यहाँ पर अर्थ है कहना यानी चपड़ना। ये कहानी कह प्लस आनी, कह प्लस आनी, ये दोनों मिलकर हमें कहानी बनी है। कह प्लस आनी। तो बच्चों यहाँ पर कहानी का प्रत्यय क्या है, इसे हमें परीक्षा में पूछ सकते हैं। इसका प्रत्यय है आनी। तो हम पिछले 8वीं और 9वीं कक्षा में जो हम व्याकरण अंश पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं, हमारे भाषा की बात में मुख्य विषय है, एक उपसर्ग है और दूसरा प्रत्यय है। और दूसरा प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाला ही हमें प्रत्यय कहते हैं। यानी इसे अंग्रेज में बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ पर कहा प्लस आने कहानी हो गया है। कहानी में प्रत्यय शब्द क्या है? आनी है। कहानी, कहना, कहना का मान कहानी से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। जो हम किसी विषय को भी यानी कुछ घटना, यानी हमारे पूरे दिन में कोई ना कोई घटनाएं चलती रहती है, उस घटना को हम दूसरों को बहुत सुंदर ढंग से बताना ही कहानी हो सकता है। यानी किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से, अंटे ये कहानी अंटे कथलु, पिल्लकी कथलु अंटे बागा इष्टं काबट्टी कथलनी मनमु जरिगिनटुवंटि संघटननि चाला अंदंगा వివరించి చెప్పడం దానినే మనము ఇక్కడ కహానిగా చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. తో విధా విశేష కే బాద్ అవర్ 14 మే ఆగే హమ్ యహాన్ పర్ లేఖక్ పరిచయ ఆ గయా హే హమారే 7వీ కక్షా సే లేకర్ 10వీ కక్షా తక్ హమే హర్ పార్ట్ మే యాని ఉపవాచ్ కే బజాయ్ దూసరే పార్టో మే హమే యహాన్ పర్ कहानी यानी लेखक परिचय या कवि का परिचय भी दिया गया है। ये तो बहुत मुख्य विषय है कि यहाँ पर हर पाठ में, जो 10वीं कक्षा के हर पाठ में, यानी पूरा 12 पाठ है, 12 पाठों में 10 पाठों का कवि परिचय होगा शायद। ये लेखक परिचय बहुत मुख्य विषय है, क्योंकि ये लेखक परिचय हमें परीक्षा में 4 अंक के लिए आने वाला प्रश्न है। ये 4 अंक के प्रश्न है। ये हम इसको लेखक परिचय पर बहुत ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर से हमने 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बहुत इजी मेथड में हम 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेखक परिचय दिया गया है। वो लेखक परिचय है, यहाँ पर लेखक कौन है? बच्चों देखिए, ये बहुत मुख्य विषय है। लेखक परिचय हर बच्चे को देखकर पढ़ना है और पाठ्य पुस्तक बंद कर उसे पढ़ना है, याद करना है, और बिना पुस्तक देखे हुए तुम लोगों को लिखना
चाहे 4 अंक के लिए परीक्षा में। यहाँ पर लेखक परिचय में देखे तो हमें यहाँ पर दिया गया प्रमुख कवि है, यहाँ पर हमें प्रेमचंद, कवि का नाम क्या है, प्रेमचंद। तो हमें बचे यहाँ पर और एक मुख्य विषय है, हमें जो 12 पाठ है उसमें 8 पाठों का लेखक परिचय है, कवि परिचय है। हमें पाठ का नाम याद रखना और उस कवि या लेखक का नाम भी याद में रखना, बहुत ध्यान का विषय है, जो हमें इस तरह माइंड में हमारे मस्तिष्क में रख लेना है। बरसते बादल पहला पाठ है उसका, बरसते बादल पाठ का कविता का कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, और दूसरा ईदगाह पाठ है उस ईदगाह पाठ का कहानीकार है, लेखक है प्रेमचंद। ऐसे तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे मृणाली जोशी। इस प्रकार हमें कवि और पाठ का नाम और उस पाठ का विधा का नाम 3 एक ही बार हम याद रखेंगे तो हमें इससे 3 अंक मिल सकेंगे, क्योंकि पाठ कौन सा विधा में है वो 1 अंक के लिए है, और इस पाठ का कवि का नाम है वो 1 अंक के लिए है, और जो इस पाठ से कुछ भाषा की बात ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेखक परिचय पढ़कर बताऊंगी, तुम सभी लोग तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो मैं पढ़ रही हूँ उसे देखते रहना। यहाँ पर लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है हमें ये बहुत याद रखना, उसका तारीख है 31 और जुलाई है उनका महीना और इनका जन्म है 1880। ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, काशी में हुआ है इनका जन्म। जो हमारे डेट ऑफ बर्थ जैसा जो हम हमारे डेट और उस महीने का नाम, उस साल का नाम और हमारा जन्म स्थान का नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर प्रेमचंद जी का जन्म है 31 जुलाई 1880 काशी में इनका जन्म हुआ है। ये एक गरीब घर में जन्म लिए हैं और इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो प्रेमचंद जी का असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, अतनियों का पूर्ति पेरना। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। तो एक गरीब घर में जन्म लिए है तो इनके बचपन में इन्होंने कैसे पढ़ लिया है कि ट्यूशन पढ़ाते हुए। ट्यूशन का अर्थ हम सभी को मालूम है, जो बच्चों को पाठशाला हो जाने के बाद उनके घर में बिठा कर पढ़ा लिखा कर पढ़ लिखा कर जो काम करते हैं उसे ट्यूशन बोलते हैं। ट्यूशन के रूप में इतने मैट्रिक यानी अब जो 10वीं कक्षा है इसे 30-40 पूर्व मैट्रिक बोल देते हैं, एसएससी यानी इंटर से मैट्रिक इंटर से समान होगा। वो मैट्रिक किया और मैट्रिक पढ़ते हुए छोटे मोटे नौकरी करते हुए इन्होंने बीए पास किए या मास्टर ऑफ डिग्री पास हुई। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इन्होंने 1 दर्जन जो दर्जन का अर्ध माल